हेलो गाइस, मेरा नाम है यमन और आज का हमारा वीडियो है डांस की एक्सरसाइज पर। और ये वीडियो बेस्ड है बॉडी कंट्रोलिंग पर। यदि आप भी अपनी बॉडी को कंट्रोल करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। इस वीडियो में मैंने कुछ एक्सरसाइज बताई है जिसे आप फॉलो करके अपनी बॉडी पर कंट्रोल पा सकते हैं। तो बेसिकली जो हमारी एक्सरसाइज है, या तो वो फुल बॉडी होगी या तो फिर कुछ पार्ट के लिए होगी। हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स है, जैसे कि हमारे हैंड, लेग, नेक, शोल्डर। इस तरीके से हम इन सभी पार्ट्स को कंट्रोल करना चाहते हैं, क्योंकि पॉपिंग के अंदर सबसे मेन इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी कंट्रोलिंग। तो यदि आपको बॉडी को कंट्रोल करना है तो आप इन एक्सरसाइज का यूज करके अपनी बॉडी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज उनके लिए है जो कि रोबोटिक या फिर पॉपिंग सीखना चाहते हैं। तो यदि आप भी पॉपर हो या फिर रोबोटिक सीखना चाहते हो, यदि आप इसमें बिगनर हो, तो आपके लिए एक्सरसाइज हेल्पफुल होगी। तो आप इसे फॉलो करके अपनी बॉडी को कंट्रोल करना सीख सकते हैं। तो इसका जो बेस है वो ये है कि हमारी जो बॉडी है, या तो हम फुल बॉडी पर एक्सरसाइज करेंगे या तो फिर हम हमारे बॉडी के कुछ जो भी पार्ट्स है, जैसे कि हैंड है तो हम हैंड के लिए कुछ एक्सरसाइज करेंगे। तो मैंने इसमें आपको धीरे धीरे लेवल वाइज लेवल बताया है। जैसे कि मैंने पहले नेक की एक्सरसाइज बताई है, फिर हैंड की, फिर स्टोमक की, और या फिर आप बोल सकते हो आपकी चेस्ट और स्टोमक के एरिया की, और फिर हमने बताई है लेग्स की एक्सरसाइज। तो इन एक्सरसाइज को आप करके अपने बॉडी को कंट्रोल कर सकते हो। और साथ ही साथ हम बात करेंगे प्ले और पॉज की टेक्निक के बारे में, जो कि मैं यूज़ करता हूँ मेरी रोबोटिक और पॉपिंग को सीखने में। तो ये एक्सरसाइज बहुत हेल्पफुल होगी आपको। यदि आप इसे अच्छे तरीके से करेंगे तो आप भी धीरे धीरे अपनी बॉडी पे कंट्रोल पाना स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। यदि गाइज आप भी उन लोगों में से हैं जो बोन ब्रेकिंग देखकर शॉक हो जाते हैं, तो फिर आप हमारा बोन ब्रेकिंग 101 का कोर्स परचेस कर सकते हैं और आप भी लोगों को शॉक कर सकते हैं अपने बोन ब्रेकिंग की स्किल से। तो आज ही हमारा बोन ब्रेकिंग 101 का कोर्स परचेस कीजिए और आज से ही सीखना स्टार्ट कीजिए। इस एक्सरसाइज में आपको ऊपर देखना है, फिर आप धीरे से नीचे आइए और आपकी चीन को चेस्ट से टच कीजिए। वापस ऊपर देखिए, फिर वापस से चीन को चेस्ट से टच कीजिए। ऐसा आपको 2 से 3 मिनट तक करना होगा। इसमें आपको पहले की तरह चीन से चेस्ट को टच करना है, फिर सेंटर में देखना है, फिर टॉप पर देखना है। इसमें आपको बस सेंटर में पॉज लेना होगा। वापिस से देखिए, सबसे पहले ऊपर देखिए, सेंटर में देखिए, फिर अपने चीन को चेस्ट से टच कीजिए। इसे भी आपको 1 से 2 मिनट तक करना होगा। सबसे पहले ऊपर देखिए, फिर पॉज लीजिए, फिर धीरे से नीचे देखिए, फिर पॉज लीजिए, फिर सेंटर में देखिए, पॉज लीजिए, फिर धीरे नीचे देखिए, फिर धीरे से नीचे देखिए, और तरीके से आपको लगातार इसे 2 से 3 मिनट तक करना होगा। इस तरीके से मुझे फॉलो कीजिए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इसे आपको 3 काउंट में करना होगा। आपको वापस से रिटर्न करना होगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट। इस तरीके से आपको करना होगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। आपको ये रिपीट करना होगा 2 से 3 मिनट तक। जैसे हम पहले एक्सरसाइज में कर रहे थे वैसे आपको सेम अब 6 काउंट तक करना होगा। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। वापस से कीजिए एक बार। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। रिटर्न। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। मुझे फॉलो कीजिए इस तरीके से। आप सबसे पहले अपने हाथों को इस तरीके से ऊपर लाइए, फर्स्ट, फिर वापस से रिलैक्स। अब सेकंड,
था वापस से थर्ड और रिलीज, फर्स्ट रिलीज, सेकंड रिलीज, थर्ड रिलीज। इस तरीके से आपको 2-3 मिनट तक करना होगा। मेरे साथ आप भी इन एक्सरसाइज को करते जाइए ताकि आपको और भी इजी लगे। इस एक्सरसाइज में आपको आपके वेस्ट को रोटेट करना है, बट यहाँ पर आपको जो अपर पार्ट है उसे होल्ड करके रखना होगा। आपका जो अपर एरिया है उसे आप होल्ड करके रखिए ताकि जो आपका सिर्फ वेस्ट का एरिया है वही मूव करे, और जितना आप ऊपर होल्ड कर सकते हैं उतना होल्ड करने की कोशिश कीजिए। आपको आपके वेस्ट को धीरे धीरे मूव करना होगा। आप चाहे साइड टू साइड मूव कर सकते हैं या फिर आप रोटेट भी कर सकते हैं, कि जैसे आपकी इच्छा हो वैसे। और जो हाथ मैंने इस तरीके से रखे हैं, आप चाहे तो आप छोड़ भी सकते हैं और अपने हाथों को लंबा या फिर किस तरीके से भी रख सकते हैं। आपका जो मेन गोल है वो यहाँ पर ये होगा कि आपको जो अपर बॉडी है उसको स्टिल रखना होगा। कोशिश कीजिए अपर बॉडी को स्टिल रखने की। इसे भी आपको 2-3 मिनट तक करना होगा। इस एक्सरसाइज में आपको अपने एक लेग पर अपना पूरा वेट को डालना होगा, और जैसे कि आप सुपरमैन हो इस तरीके से आपको करना होगा। अब यहाँ पर आपकी जो बॉडी कंट्रोल है वो इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आपके जो लेग है, लेग जो हमारे हैं उसमें आपको कंट्रोलिंग पावर चाहिए। इसलिए एक्सरसाइज आपको बेस्ट है आपके लेग को और आपकी पूरी होल बॉडी को कंट्रोल करने के लिए। आप चाहे तो वॉल का सहारा लेकर इसे पकड़ भी सकते हो, आपके दूसरा हैंड को आपके थाई पे भी रख सकते हो या फिर आपके नी पर भी रख सकते हो। यदि आपको आपका बैलेंस नहीं बन पा रहा है तो आप अपने लेग को इस तरीके से पकड़ कर भी इसे वॉल की सहायता से इस तरीके से आप कर सकते हो। इसमें आपको अपने जो अपर बॉडी है उसको आपको जितना पीछे लेकर जा सकते हैं उतना पीछे लेकर जाइए। कोशिश कीजिए आप पीछे लेकर जाइए, फिर इस पोजीशन को होल्ड करके रखिए 10-15 सेकंड के लिए। वापस से ऊपर आ जाइए और वापस से फिर इसे इसी तरीके से आपको ये करना होगा। फिर सबको लगातार 2-3 मिनट तक करना होगा। अब हमारी सभी एक्सरसाइज को आप 2-3 मिनट तक करिए होल्ड करके। अब जितना होल्ड करके रखेंगे अपने बॉडी पर उतना कंट्रोल पाएंगे। अब धीरे धीरे कोशिश कीजिए धीरे धीरे टाइम को बढ़ाने की। आप 15 सेकेंड से 30 सेकेंड भी इसे कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज के अंदर आपको अपनी नी को बेंड करना होगा और इस पोज को होल्ड करके रखना होगा। और आप कोशिश कीजिए कि जब आप पोज को होल्ड करके रखें तो आप इसे में 10-15 सेकेंड होल्ड करके रखें, फिर वापस से खड़े हो जाइए। वापस से इसे कीजिए होल्ड करके रखिए, वापस से खड़े हो जाइए। ऐसा आपको लगातार 2-3 मिनट तक करना होगा। इससे आपके लेग स्ट्रांग होंगे और आपके लेग के अंदर जो कंट्रोल है वो बढ़ेगा। ये एक्सरसाइज आपके लेग के लिए है, ये आपके लेग की स्ट्रेंथ को बढ़ाएगी और साथ ही साथ आपके बॉडी लेग के कंट्रोल को भी बढ़ाएगी। तो आपको अपने लेग को इस तरीके से सामने लाना है और इस पोजीशन को आपको 10-15 सेकंड होल्ड करना है, और फिर आप अपने वापस से लेग को नीचे रखिए और अपने दूसरे लेग को अब सेम तरीके से सामने लाइए और इसे भी 10-15 सेकंड के लिए होल्ड करके रखिए। ये एक्सरसाइज आपको 2-3 मिनट तक करना होगा। और आपने देखा हमने पूरी नेक से लगाकर लेग तक की एक्सरसाइज करी, और ये पूरा एक शेड्यूल्ड है जिसे आपको लगातार करना होगा हर दिन, और हो सके तो इसे हफ्ते में 5 दिन तो ज़रूर कीजिए। इससे आपकी जो बॉडी कंट्रोल है वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। अब बात करते हैं हमारी प्ले और स्टॉप की टेक्निक के बारे में। प्ले एंड स्टॉप टेक्निक फर्स्ट। इसके अंदर आपको सबसे पहले पोज, किसी पोज में आइए होल्ड कीजिए, फिर सेकंड पोज में जाइए होल्ड कीजिए, फिर थर्ड पोज में जाइए होल्ड कीजिए। आप किसी भी तरीके से वियर्ड पोज चूज कर सकते। प्ले एंड पॉज टेक्निक सेकंड के अंदर आपको डांस करना है, स्टॉप, फिर डांस कीजिए, फिर स्टॉप लीजिए। इस तरीके से आपको करना होगा। आप चाहे तो सेकंड का यूज़ भी कर सकते हैं। आपको फर्स्ट में स्टॉप होना होगा, फिर आप 1, 2, 3, 4, 5 फिर स्टॉप, 1, 2, 3 स्टॉप, है ना। तो आपको फर्स्ट में स्टॉप होना होगा, जैसे कि मैं स्टॉप हूँ, फिर मैं 5 सेकंड तक गिनूंगा, फिर मैं स्टॉप होऊंगा। तो स्टॉप 1, 2, 3, 4, 5 स्टॉप। इसे 2-3 मिनट तक करना होगा। इससे आपके बॉडी, होल बॉडी कंट्रोल पर फायदा होगा। आपको अपने बॉडी को कंट्रोल कर पाओगे, जो कि पॉपिंग और रोबोटिक के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इन एक्सरसाइज का आप यूज़ कीजिए। तो ये हमारी प्ले और पॉज की टेक्निक है जो कि आप कर सकते हो इजीली। और इसमें ध्यान रखिए कि आप फ्री होकर डांस कीजिए, किसी भी म्यूजिक पर डांस कीजिए, और बस प्ले और पॉज आपको रुकना है और फिर स्टार्ट होना है, फिर रुकना है, फिर स्टार्ट होना है। इसमें आप ऐसा कर सकते हैं, स्टार्टिंग में आप 5 सेकंड के लिए स्टॉप लीजिए, प्ले कीजिए, फिर स्टॉप, फिर प्ले। तो यही इसका बेस है।
तो आपको ये बार बार करना होगा, या आप इसको 5 से 10 मिनट तक कर सकते हो जब भी आप अपने डांस में या फिर आप कहीं भी फ्री हो, तो इसे ज़रूर कीजिए। इससे आपकी बॉडी में कंट्रोल आपको देखने को मिलेगा। मैंने इसी तरीके से अपनी बॉडी को कंट्रोल किया था, तो ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो गाइज ये इतनी एक्सरसाइज है, आपको इन सभी एक्सरसाइज को करना होगा और इसका रूटीन कुछ इस प्रकार होगा। आपको सभी एक्सरसाइज को 2 से 3 मिनट तक करना होगा। यदि आप चाहते हो अपनी बॉडी को कंट्रोल करना, तो आप जितनी टाइम तक एक्सरसाइज को करोगे उतना आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो गाइज आज का हमारा वीडियो इतना ही था। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। यदि कुछ प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट करके बताइए, और यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।